बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार मेरे तमाम बहन से बैठे हुए मेरे भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। सदर जलसा ऑनरेबल फैलाज चेयरमैन जनाब इम्तियाज साहब और हमारे पंचायत राज ऑनरेबल मिनिस्टर एर्राबल दयाकर राव साहब तो बहुत थोड़ा तेलंगाना घूमते रहते हैं और रात दिन काम करते रहते हैं और बहुत कंटिन्यू मुसलसिल 7 मरतबा जीतने वाले मैं अल्लाह को तो बहुत दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यहाँ दो भी फैले हुए, एक तो हमारा सुमन अन्ना जो पहले एमपी था, उसके बाद उसने सीएम साहब एमएलए का टिकट दिए। यकीनन उसकी शादी के रोज मैं गया था तो उसी दिन सीएम साहब साजिब दावत में आए थे, हालांकि उनका कोई इरादा नहीं था कोई प्रेस में बात करना या किसी से कुछ बोलना। जब हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद कमेटी के लोगों ने जाके सीएम साहब से कहा कि साहब महमूद भाई बहुत दिन से आपके साथ है, इन्हें एमएलसी दीजिए, तो हालांकि हमारे पास एमएलए उतने ज्यादा नहीं थे पर हमारे सीएम साहब ने जिस हिम्मत से अपने से मुझे जिताया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुमन साहब की शादी के लिए मुझे फिक्र किया गया और हमारे हर एक चीफ गेस्ट विजय भास्कर साहब एमएलए साहब यहाँ मौजूद है, वो भी बड़े मुस्लिम दोस्त हैं। और एक बात है टीआरएस पार्टी में जितने हमारे लीडर्स हैं क्योंकि हमारे सीएम साहब भी मुस्लिम दोस्त ही हमें हिंदुस्तान में कोई अगर लीडर है जो मुसलमानों के बारे में सोचने वाला तो वो हमारे महान और महात्मा लीडर के इतिहास साहब है। इसी तरह हमारे मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब और मंडल कौंसिल मेंबर और खासतौर से आपके होने वाले मिनिस्टर भास्कर रेड्डी साहब जो आपको पहले भी खिदमत कर चुके हैं और इस मरतबा फिर आगे बढ़कर बहुत से लोगों ने बहुत से मुझे निमंत्रण दिए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं क्योंकि आप लोगों का एरिया खासतौर से मुंडोर एरिया जो थोड़ा सा बैकवर्ड हो चुका है उसकी एक ही वजह है कि सेकेंड टाइम में आप लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक से राजगोपाल रेड्डी साहब को जिता दिया था। जो आप जानते हैं तेलंगाना के लिए तहरीक में सीएम साहब के साथ देने वाले और तेलंगाना लाने में आगे बढ़ने वाले दिनों में भास्कर रेड्डी साहब का शुमार है। इन्होंने इनके पास तेरा दौर में मैं सारा मंगोल सुनकर आया हूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे मिला, मैं कहा क्या काम बाकी है तो बोले भास्कर रेड्डी साहब जब तक थे जब भी काम हुआ है, राजगोपाल रेड्डी साहब जीतने के बाद कभी इधर आए नहीं, वो सिर्फ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए दूसरे कामों में बिजी रहे। उसी तरह प्रभाकर रेड्डी साहब सभी की तरफ से फिर एक बार जीते की मुबारकबाद देते हैं। प्रभाकर रेड्डी साहब बड़े अंदर इंसान है, बहुत हरदिल से इंसान है, सारे मिनगोर में जो जहां भी जा रहे हैं लोग कहते हैं जो काम हुआ है प्रभाकर रेड्डी साहब के दौर पे हुआ है और जरूर आने वाले टाइम पे बहुत मिजाज से जरूर डालेंगे और प्रभाकर रेड्डी साहब को जिताएंगे। मोहम्मद गुजाय साहब मिसपुर काउंसिल मेंबर मोहम्मद भाई साहब लतीफ साहब कमरुद्दीन साहब प्रेसिडेंट जामा मस्जिद चंडोर सीपीआई लीडर्स मौलाना यूसुफ जाहिद साहब चेयरमैन खादी बोर्ड एजाज साहब फरीद साहब मुनीर साहब और जो मीसाबाद के कमरुद्दीन साहब अहमद साहब और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और मेरे बहनों, यकीनन ये तेलंगाना 2014 में जो आया है उसके लिए हमारे आदरणीय सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी, उसका एक ही मकसद था तेलंगाना हासिल करना। सीएम साहब ने बड़ी जद्दोजहद करते हुए 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया। मैं एक ही बात मेरे बहनों को और मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले हमारी सारी रकम आगरा में ले जाई जाती थी, तेलंगाना बहुत बैकवर्ड था होता जा रहा था और तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने जिस तरह इस तेलंगाना स्टेट को तरक्की दी उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं थी, क्योंकि 2014 से पहले हमारे पास पावर का बहुत बड़ा शॉर्टेज था, रोजाना प्रचार हुआ करता था, पावर हमें
इंडस्ट्री के लिए तीन दिन हॉलीडेज हो जाते थे और हर जगह पावर का प्रॉब्लम होता था। आज इंडिया में सरप्लस स्टेट है पावर में तो तेलंगाना स्टेट है। आप जानते हैं पानी में आपका नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फ्लोरेशन का पानी मिलता था। सीएम साहब ने 2017 में असेंबली में ऐलान किया था कि मैं आने वाले 7 साल में अगर पानी नहीं दूंगा तो मैं आने वाले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। हमारे एमएलए और हमारे मिनिस्टर फौरन सीएम साहब पास गए असेंबली खत्म होने के बाद। उनसे कहा कि साहब आपने इतना बड़ा ऐलान किया है। सीएम साहब ने कहा जिसको हिम्मत होती है, जिसको ताकत होती है, काम करने की लगन होती है, वो जो वायदा करता है वो पूरा करके बताता है। सीएम साहब ने 4 साल में घर घर तक आपके पानी पहुंचाया। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस ने और तेलुगु देशम ने 65 साल हुकूमत किया पर कभी भी आपके लोगों को पीने का पानी नल के जरिए पहुंचाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि यहाँ बोरिंगों में क्लोराइड का पानी हुआ करता था, लोग बीमार हो जाते थे, बहुत से परेशानियों में मुबतला थे। इसलिए सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद कई एक स्कीम जो है खासतौर से हमारे भाइयों ने आपको बता चुका है। 65 साल में सिर्फ 12 वर्ष से सोचते जहाँ पर 2,400 बच्चे पढ़ा कर सकते हैं, आज 204 उसे अपग्रेड किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए गए, आज 1,40,000 बच्चे और तालीम हासिल कर रहे। उसके साथ साथ ये सामने खासतौर से ऑटो शिक्षा लक्ष्य की स्कीम छोड़ी, जो वही माँ बाप है जिनके बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास ना प्रॉपर्टी होती ना उनके पास कोई रकम रहती है। तो उसके लिए सीएम साहब ने जो बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं मुसलमान भाइयों के गरीब बच्चों के लिए 20 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं, जो मदद भारत से फंडेबल है, जो वापिस नहीं मिल जाती। सीएम साहब ने हमारे ऑफिसरों ने कहा साथ ये रकम बड़ी रकम है, हमें भी इसका वापिस लेना चाहिए। सीएम साहब ने कहा मेरे बेटे के इन हमारा को मैं अमरीका पढ़ा जाकर भेजा पढ़ाया हूँ, मेरी बेटी कविता मैडम को मैंने अमरीका भेजा कर पढ़ाया हूँ। आज मेरे वतन के गरीब बच्चे, मेरे तेलंगाना के लोग अगर अमरीका ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं तो मैं उनसे रकम कैसा वापिस ले सकता हूँ। वहाँ मेरा मकसद है वो बच्चे पढ़कर अपने माँ बाप का रोशन मुस्तकबिल, उनकी अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्ग या मौजूद है, कई स्कीम कभी भी नहीं थी। इमाम और मौजूद साहब को हत्या किया जाता है, 65 साल में कभी भी कांग्रेस और तेलुगु देशम ने नहीं और नहीं किया। जब 2001 में एक मोहम्मद साहब इमाम साहब थे, मोहम्मद अली साहब, वो बार बार आकर मुझे तवज्जो दिलाते थे, मैंने कई बार जाकर वोट पर धरना दिया क्योंकि कांग्रेस कभी देना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी हमारी बात तवज्जो से नहीं सुनी। जब सीएम साहब से गुजारिश की तो उन्होंने फौरन जीओ जारी किया, 10,000 इमाम और मोहम्मद हजरात को 5,000 रुपए का हदिया दिया जा रहा है और बहुत से मस्जिदों को मुझे गुजारिश की गई इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो मस्जिदें बची है उन्हें भी बराबर हदिया दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, बहुत से पार्टी इख्तदार के लिए आते हैं पर तेलंगाना के आवाम के डेवलपमेंट के लिए जो पार्टी बनी है वो तेलंगाना राष्ट्र समिति है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने आज तक जितने भी काम किए खुला मतलब मिलकर काम किए, हमारे सीएम साहब ने 12% का रिजर्वेशन का वायदा भी किया था, उसके लिए उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी बिठाई, उसके लिए उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी असेंबली में पास किया, काउंसिल में पास किया, गवर्नर से अप्रूवल लिया और दिल्ली जाकर वो मोदी के पास पड़ी हुई है। मेरे भाइयों बहनों, कई एक स्कीम शादी व्यापार की स्कीम से आज 1,88,000 मुस्लिम बहनों की शादी कर चुके हैं। इसलिए मैं भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आपकी जो दोस्त पार्टी है, आपको चाहने वाली पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है। अभी हमारे सुमन साहब ने, दयाकर साहब ने बहुत सी बातें आपको बताई है, मैं दो चार बात ये बताना चाहता हूँ। वोट की बड़ी अहमियत होती है, आप चाहते हैं हमसे मुकाबला कौन कर रहे हैं? राजगोपाल रेड्डी साहब 4 साल से क्या काम कर रहे हैं बताइए, कुछ नहीं करे, उनका कंपन जो खिलाफ था। अभी हमारे सुमन साहब ने बताया एक बहुत बड़ा कंट्रैक्ट लेने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल है। बीजेपी जमात के लिए ना हमारे बहने वोट देते हैं ना हमारे भाई वोट देते हैं, गाय की मत होता है, जहाँ जो हिजाब को व्यक्ति दिखती है तो वहाँ उसे परेशान किया जाता है, जब मुर्दे वाले लोग दिखते हैं उनको परेशान किया जाता है। क्योंकि उन्होंने जो बात नहीं की हमेशा गंगा जमुना सैनिक को नुकसान पहुंचाने वाली जमात है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों,
केसीआर साहब की तरह लीडर हिंदुस्तान में नहीं है तो मुसलमानों को का सारे प्रभु को एक साथ दिखते हैं, एक साथ तरक्की बनाना चाहते हैं। यकीन यहाँ बहुत से इशू हो चुके हैं, मैं कुछ इशू मांगिए हमारे प्रभाकर रेड्डी साहब आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह ताला जो जो यहाँ के इशू है जो जो मसाइल है वो जरूर हल करेंगे। एक बार इलेक्शन जब आता है, पांच साल में एक बार आता है, कभी भाई इलेक्शन आता है, सारे हिंदुस्तान की नजर हमारी सिलेक्शन रोड पर पड़ी है कि यहाँ क्या रिजल्ट आता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों यहाँ पर बहुत से हमारे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ ऐसी जमात की हमें जरूरत नहीं है जो हमें तस्दीक करना चाहते हैं, वोट हासिल करना चाहते हैं। हमारे बहनों से मेरी गुजारिश है उसी का सुबह उठकर जल्दी से उठकर सबसे पहले अपना वोट डालने चाहिए, वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तमाम भाइयों से मेरे भाइयों से गुजारिश है क्योंकि हमारे सीएम और महात्मा लीडर जो केसीआर साहब है वो हमेशा सारे लोगों को एक नजर से देखते हैं और सभी की तरक्की चाहते हैं। आपसे यही पूछना चाहता हूँ, कभी इससे पहले 65 साल दौर में किसी ने कोई इमाम और मौजन आपको एक पैसे का अधिया दिया है? ये अधिया देने वाले केसीआर साहब है, हमारे तालीम पर गौर करने वाले केसीआर साहब है, गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने वाले केसीआर साहब है, चाहे रमजान की ईद हो या क्रिसमस की ईद हो या गुरान की ईद हो, हर तरीके से हुकूमत से तकलीफ मदद की जाती है, मस्जिदों में इफ्तार कराया जाता है, मस्जिदों में इबादत के बाद कपड़े तकलीम किए जाते हैं इससे पहले। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मरतबा हम गफलत नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं कर सकी, और हम एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा वोट तकलीम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एक वोट भी कांग्रेस में हमें जाता है तो हमें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात होती है। बीजेपी पार्टी यहाँ की ऐसी पार्टी है तो कोई साथी नहीं। 2014 से पहले मोदी साहब ने बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने कहा था कि विदेशी माल लाएंगे तो 22 ममालिक में हमारा पैसा गया है, लाकर क्या अगर तक 15 लाख रुपए तब्दील करेंगे। इलेक्शन एक साल एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका, उसके बाद अमित शाह साहब से मीडिया वालों ने सवाल किया कि मोदी साहब ने कहा था क्या 15 लाख रुपए घर तक तक मिल जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन में हम बोलते हैं देने की बात थोड़ी है लाने की बात थोड़ी है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों के लोग वायदे करते हैं कि कभी पूरा नहीं करते, और मुझे यकीन है कि आज मुंबई में तमाम भाई खासतौर से इस मंडल के भाइयों से मेरी गुजारिश है, यकीन अभी उनको इशू बताया गया है, हमारे MLA साहब ने भी कहा है कि जो भी इशू है आपके मामूली इशू है, छोटे इशू है, शादी नाला हो या मस्जिदों की तामीर है या कब्रस्तानों के कंपाउंड वॉल्स है या और कुछ रोजगार है बताया है। पहला जो पहला आपके पास इंसान बने हैं इलेक्शन बोर्ड की वजह से लोग की खत्म हुआ, इलेक्शन होने के साथ ही लोन के स्कूल जारी की जाएगी ताकि मुसलमानों के माजी हालात सुधर सके, उन्हें लोन दे सके और कुछ कारोबार कर सके। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं एक बार और एक बताता हूँ कि सेकुलरिज्म की अगर मिसाल लेना चाहिए तो तेलंगाना स्टेट है, 65 साल में दौर में कभी भी मुसलमान को कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिया गया। जब तेलंगाना बना तो हमारे सीएम साहब ने मुझे डिप्टी सीएम का होता दिया, आपके भाई को आपके खिदमत के लिए आप बताइए अभी भी उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद वायदे करते और कुछ नहीं करते, और जब गवर्नमेंट बनती है तो मुसलमानों के लिए कुछ महीना भी मिलता दिया जाता है। पहली मरतबा मुझे डिप्टी सीएम का होता दिया गया, मुसलमानों को उन्होंने बड़ी इज्जत दी, और दूसरी मरतबा मुझे होम मिनिस्टर का होता दिया जो कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ी इज्जत की बात है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों यकीन मसाइल तो आते रहेंगे हल होते रहेंगे, पर सेकुलरिज्म बहुत अहम चीज है, उस सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए जो हाथ से मेहनत करते हैं जनता सही की मकसद है, जो हमारे पूरी मेहनत करती है वो यही चाहती है कि हम अमन की जिंदगी गुजारे, प्यार और मोहब्बत करे। इसलिए मैं तमाम मेरे कुल के काफी तादाद में हमारे भाई बहन यहाँ मौजूद है और बड़े हमारे बुजुर्ग सरकार भी मौजूद है, और तमाम से गुजारिश करता हूँ वोट बड़ा अहम होता है, वोट को नजरअंदाज मत कीजिए। आप मेरी बहनों से गुजारिश है आप सुबह उठने के साथ ही 30 तारीख के दिन अपने खानदान के तमाम अफराद को लेकर अमली वक्त में वोट डालना चाहिए, क्योंकि वोट का परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज घटने से कुछ हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग समझते हैं कि क्या जरूरत है, देखेंगे हम थोड़ी देर के बाद जाकर वोट डालेंगे, इसी तरह टाइम गुजर जाता है। मेरे भाई और बहनों से पैदा पर गुजारिश करता हूँ कि वोट का बड़ी अहमियत है, वोट का हम गलत इस्तेमाल करें, वोट के मौके पर लापरवाही हम गलत बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तमाम से अपील करता हूँ
हमारे कार के निशान को और प्रभाकर के साहब को बड़े मेजाजी से जिताकर आप जाइए। मैं आप तमाम से खासतौर से हमारे मौजूद है, उन लोगों ने मुझे कई मॉडल दिए हैं जिसमें कई इशू लिख कर दिए गए। इंशाल्लाह और तमाम के तमाम इशू खासतौर से हमारे सादत साहब जो प्रेसिडेंट है जामे मस्जिद के, मैं वायदा करता हूँ कि हमारे MLA साहब जीतने के बाद जरूर आपके जितने इशू है कि बड़े थोड़े बड़े इशू नहीं है कि लगातार एक कपूर वाल से एक कम्युनिटी हाल है और मस्जिदों की या शादी खानों की और कब्रस्तानों की तामीर की बात चुकी है। जरूर अगर जगह जहाँ कब्रस्तान की नहीं है वह जरूर DM साहब हमेशा कहते हैं कि वहाँ जगह अलाट करें, क्योंकि इंसान की जिंदगी में मरने के बाद भी उसे जगह होना पड़ता है। हाँ डेफिनेटली मैं भट्टर खोलने वाले अपने यहाँ पर मुनगोड़ में बहुत से लोग हैं। हमारे MLA साहब आज नहीं है, मैं सिर्फ 3 तारीख का इलेक्शन है, 5 तारीख के रिजल्ट के बाद हमारे प्रभाकर मिला जरूर बड़ी 50 से 60 70 हजार मिजाज से MLA जीतेंगे। यहाँ के जो भट्टर खोलने वाले लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत से बहुत गरीब है, अगर उनके घर जाकर देखेंगे तो हमारे आज में हाथों आ जाएंगे। उन्हें खाने खाने के लिए तकलीफ में उन्हें आज तक पत्थर खोलने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैं कलेक्टर से भी ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इलेक्शन कोर्ट के बाद तो जमात जिससे पत्थर खोलने वाले लोग हैं उन्हें जरूर हुकूमत की तरफ से कलेक्टर की तरफ से जरूर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनकी किसी तरीके से भी माली मदद की जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में जरूर मेरे प्रभाव करना हर तरीके से उनकी मदद करते हुए, क्योंकि बहुत सस्ता जिंदगी गुजार रहे। मैं बताया तेलंगाना पूछा है और मंगोल में मुझे बात बात देखिए काफी दुख में हुआ है, बहुत गिरी हुई हालत में, बहुत सस्ती हालत में, बहुत गुर्बत की हालत में हमारे मुस्लिम भाई जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी मदद के लिए हम जरूर आगे बढ़ेंगे, हमारे MLA साहब के साथ जाकर जहाँ तक हो सके जहाँ जितनी मदद की जरूरत पड़ेगी पूरी कोशिश की जाएगी, वहाँ पर उनकी मदद करते हुए उनकी जिंदगी में कुछ अच्छी तब्दीली लाते हुए एक अच्छी जिंदगी गुजारने का जरूर मौका फराहम करने की कोशिश की जाएगी। मेरे तमाम भाई बहनों से अपील करते हुए चुके बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, माजरूम भी चाहता हूँ कि आप लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया, मगर हमारे MLA साहब के लिए उनके रोड के लिए आप कुछ बैठ कर वायदा दे रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं एक बार हमारे MLA साहब को और हमारे मिस्टर दयादर साहब को हमारे सुबोधा को मैं वायदा करता हूँ कि मुसलमान जो कहता हो तो करके बताता है, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। DM साहब को दिल से चाहने वाले तो हमारे मुसलमान है, इसलिए कि उन्होंने हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए इमाम और मोहतर हजरात को वजीफा दे रहे हैं, हमारे उमर रशीद का बहनों के लिए भाइयों के लिए 2000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं दिया। और राशन के लिए पहले मेरे से 16 किलो राशन दिया था, मियां बीवी 2 बच्चे 4 किलो के हिसाब से, हमारे CM साहब ने 6 किलो के हिसाब से अगर आपके घर में 10 बच्चे तो 60 किलो राशन देगा। इंतजाम करने वाले जो लीडर है वो के इश्तियाक साहब है, हमारे CM साहब का एक ही मकसद है क्योंकि तेलंगाना के अंदर जितने कम्युनिटी के लोग रहते हैं भाई भाई की तरह, मेरा अगर कोई फोन काटा जाए तो वही लाल फोन निकलेगा, मेरे मित्र साहब का फोन नहीं काटा जाए वही लाल फोन निकलेगा, और तमामों का फोन एक ही कलर का एक ही तरह से प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और एक ही तरह हमेशा सेकुलर लीडर हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब के हाथ मजबूत करे ना कि ताकत यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ मेरी तरफ से मैं हमारी कमेटी की तरफ से कि हम प्रजापुरत ताकतों को नहीं पसंद करते, हम पसंद करते हमारा मदद सिखाता है जिंदा करना चाहिए प्यार और मोहब्बत को जरूर कायम रखेंगे और भारी मिजाज से जितना हो सके एक वोट भी सकते किसी को नहीं जाएगा 100% रोज मेरे अन्ना प्रभाकर अन्ना को वोट डालकर भारी मिजाज से जिताएंगे। सबसे मैं वादा करता हूँ और आप लोगों अपने उत्साह को जरूर लाभ रखिए, क्योंकि इतनी अच्छी स्टेट इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर किस्मत वालों को नसीब होते हैं। हमें खुदा का गिफ्ट है कि यहाँ साहब जिन्होंने तेलंगाना भी लाया है, सारे कौमों को तरक्की दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आए हुए तमाम बड़े बड़े बुजुर्ग पंडितों के सुनोज और यहाँ के उर्मा बहुत से लीडर्स भी हैं पर हमारे मजहबी लोग भी हैं यहाँ पर, सबको फिर मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ कि रोड में तकसीम वाले मंत्री से रोड का परसेंटेज तो जरूर बढ़ाए ताकि हमारे रोड की वैल्यू जरूर मालूम हो सके और यहाँ के जो इशू है वो जरूर पूरे करने के लिए हमारे MLA साहब, और आज मैं कह रहा हूँ हकीकत में ये 60 से 70 हजार
विधायक जीत चुके हैं, सर्वा पहले विधायक जीतकर आपके सामने आकर आपके ईश्वर छोड़ते हैं पहले ईश्वर नजर साल करेंगे। इसलिए मेरे बहनों से भाइयों से सारी मैं माफी में चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का लक्ष्य अभी तक नहीं हुआ, हमें दुख का इंतजार करके देर हो चुकी है। अच्छा हम लोग तो उत्तर मीटिंग में आपके साथ जाने के बाद ही हम भी लंच करेंगे और सबका मैं इस मीटिंग में आने पर दिल की गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार अपील करता हूँ कार के निशान को और डालकर बारह महीने से प्रभाकर भाई साहब के साथ को जिताई गई मेरी गुजारिश। మీరు ఇక్కడ ముస్లిం పెద్దలు అప్పుడే చెప్పేది ఏంటంటే